हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बना रहे हैं हम सबके फेवरेट कांदे के भजिए, वो भी मार्केट जैसे क्रंची क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। तो आप सीखना चाहोगे तो आइए, बहुत ही आसान तरीका है और पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कांदा स्लाइस कट करके लिए है, पतले पतले, देखिए ये 1 किलो के आसपास है। अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं, मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। पहले मैंने 1 चम्मच को थोड़ा कम ली थी, थोड़ा सा बाद में डाल दी हूँ। और यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अच्छी तरह हाथों से मसल के लीजिए। इन तमाम चीज़ों को डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब हम डालेंगे गरम मसाला, मेरा छोटा चम्मच है तो मैं 2 बार 1/2 1/2 करके डाल रही हूँ, आप 1 चम्मच भर के डाल सकते हो। और धनिया पाउडर भी हम इसी तरह डालेंगे, 2 मरतबा 1/2 1/2 चम्मच यानी 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद हम लिए हैं 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और लाल मसाला लेंगे आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ यानी 2 मरतबा 1/2 1/2 चम्मच। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी क्रिस्पी क्रंची बने थे हमारे भजिए। अब पहले हम मसाले को अच्छी तरह प्याज में मस लेंगे, और इस तरह मस लेंगे कि प्याज का एक एक हिस्सा छुट्टा छुट्टा हो जाए, यानी एक एक स्लाइस अच्छी तरह छूट जाए। प्याज जब हम काटते हैं यानी कांदा जब काटते हैं तो वो राउंड में कटता है, तो एक एक हिस्सा हमें छोड़ना है। तो देखिए हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से मसलते जा रहे हैं। हमने तमाम प्याज को अच्छी तरह मसलते हुए बिल्कुल छुट्टा छुट्टा किए हैं। हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, तभी तो हमारे बाज़ार जैसे क्रंची और क्रिस्पी भजिए बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए तमाम मसाले को हम अच्छी तरह मिलाते जा रहे हैं हाथों से, और प्याज को दबाते जा रहे हैं ताकि वो एक एक हिस्सा बिल्कुल छुट्टा छुट्टा हो जाए। जिस तरह हम प्याज फ्राई करते हैं तब छुट्टा छुट्टा होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने प्याज को हाथों की मदद से अच्छी तरह खोल दिए हैं यानी छुट्टा छुट्टा कर दिए हैं। मिर्ची लेंगे हरी वाली 4 से 5 बारीक कट करके, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी चावल का आटा ली हूँ, जी हाँ ये 5 से 6 चम्मच होंगे। इसी से तो हमारे भजिए क्रंची और क्रिस्पी होंगे, यही तो सीक्रेट है। देखिए पहले हम अच्छी तरह आटे को प्याज में मिक्स करेंगे, और आप एक बात याद कीजिए, हमने अभी तक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किए हैं, और आपको भी बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं, तभी तो आपके भजिए बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बाजार जैसे बन जाएंगे। देखिए हम तमाम चीज़ों को बिना पानी के ही मिलाते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम यानी 1/4 किलो चने का आटा लिए है, हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे, और पानी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम अच्छी तरह सूखे में ही बिना पानी के प्याज में आटे को अच्छी तरह मिक्स करते जा रहे हैं। देखिए दूसरी मरतबा भी ले रहे हैं आटे को, इसी तरह हम 3 मरतबा थोड़ा थोड़ा करते हुए आटे को लेते जाएंगे। और प्याज में पानी होता है हल्का, आपको तो पता है, तो वो पानी देखिए थोड़ा थोड़ा आपको हमारा बैटर हल्का नरम नरम दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो प्याज में पानी है वो हम अच्छी तरह आटे में मसल के लेंगे, तभी तो हमारे कांदे के भजिए अच्छी तरह क्रिस्पी और क्रंची होंगे। तीसरी मरतबा हम पूरा आटा डाल देंगे, देखिए यानी हमने 1 किलो प्याज को 1/4 किलो आटे में अच्छी तरह मिक्स करना है, ज़्यादा आटे का इस्तेमाल नहीं होगा। जिस तरह मार्केट में बनते हैं बिल्कुल वही टेस्ट और फ्लेवर आएगा आप भजिए को। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आए हैं, और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने थे हमारे भजिए, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, आपको भी बहुत अच्छे लगते हैं बाज़ार जैसे भजिए।
हमने तमाम आटे को मिला दिए हैं। देखिए यहाँ पर हमने आधा ग्लास पानी लिए है, मगर हम इसका भी इस्तेमाल पूरा नहीं करेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ आधा कप के हिसाब से, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें मिक्स करते जा रही हूँ। बिल्कुल जितना हो जाए उतना पहले हम इसी में मिक्स करेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होगा। और थोड़ा आधा कप पानी लेंगे, यानी हमने जो पानी लिए थे आधा ग्लास, उसमें से हम सिर्फ एक कप पानी लेंगे जिसमें हम चाय पीते हैं, उतना ही पानी का इस्तेमाल की हूँ मैंने। और आप देख सकते हो उतने ही पानी में हम पूरा बैटर तैयार कर रहे हैं। जिस तरह हम आटा मलते हैं बिल्कुल उसी तरह हम प्याज के भजिए को मिक्स करते जा रहे हैं, यानी कांदे के भजिए को, तभी तो क्रंची और क्रिस्पी होंगे हमारे भजिए। अगर हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इसमें ना क्रिस्पी बना होगा ना क्रंची होगा, और खाने में वो मज़ा नहीं आएगा जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आप भी पानी कम ही मिलाइएगा। देखिए मैंने बस एक चाय का कप के हिसाब से पानी मिलाई हूँ और अच्छी तरह मिक्स करते जा रही हूँ। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्लास में कितना पानी बचा है। पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। देखिए मैंने ये वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस दिखाई हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अगर मैं थोड़ा थोड़ा स्किप करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए शुरू से आखिर तक मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाई हूँ। और आप देख सकते हो बस एक कप पानी में हमने एक किलो कांदे में पाव किलो बेसन का आटा और 5 से 6 चम्मच चावल का आटा अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह इसे आटे की तरह मल दिए हैं। देखिए पानी बिल्कुल आधा ग्लास का भी आधा है, यानी हमने सिर्फ पाव हिस्सा इस्तेमाल किए हैं। अब इसकी खूबसूरती और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम ढेर सारा हरा धनिया डाल रहे हैं। देखिए इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जिस तरह हम आटे का डो बनाते हैं बिल्कुल वही तरीका यूज़ किए हैं, मगर फिर भी हम उसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिर्फ हमने एक चाय का कप पानी इस्तेमाल किए हैं, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह हमारा बैटर तैयार हो गया है। और हमने फ्राई पैन भी रख दिए हैं गर्म होने के लिए ताकि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, आप देख सकते हो आपको इस बैटर में प्याज भी बहुत दिखाई दे रहे हैं और कांदे की एक एक स्लाइस आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल बाज़ार के जो भजिए लाते हैं हम उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अब हम फ्राई करना शुरू कर रहे हैं। देखिए हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम हाथ में सिर्फ थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। कोई शेप नहीं देंगे हम इसे, क्योंकि बाज़ार वाले जो भजिए होते हैं उसमें कोई शेप नहीं होते, वो आड़े तेड़े होते हैं। बिल्कुल हम भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। और आप देखिए बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं हमारे भजिए। और जितना हमारे फ्राई पैन में बैठेगा हम उतना डालते जाएंगे एक के बाद एक। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, इसकी आवाज़ कितनी क्रंची और क्रिस्पी होगी उससे ही पता चलेगा आपको कि खाने में हमारे भजिए कितने मज़ेदार और टेस्टी बने हैं। देखिए हम एक के बाद एक डालते जा रहे हैं फ्राई पैन में। अच्छी तरह तमाम भजिए डाल चुके हैं और डाल के भी 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हम चम्मच की मदद से पलटा रहे हैं क्योंकि एक तरफ से अच्छी तरह गुलाबी कलर आ चुका है। और आप देखिए आप भी इसे चम्मच की मदद से पलटाइएगा, क्योंकि बड़े चम्मच से पलटाने जाएंगे तो अच्छी तरह पलटेंगे नहीं। अब दूसरे हिस्से को भी अच्छी तरह 4 से 5 मिनट फ्राई कीजिएगा, तभी तो क्रंची और क्रिस्पी होंगे। जब तक अच्छा गुलाबी कलर नहीं आएगा हम नहीं निकालेंगे। और आप देख सकते हो दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह गुलाबी हो गए हैं। हम इसे पलटते जा रहे हैं ताकि अच्छी तरह दोनों तरफ से हमारे भजिए क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। और प्याज जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो जब हम कांदे के भजिए फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कांदा ही होता है। और आप देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह कलर आना शुरू हो गया है, भजिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बड़े चम्मच की मदद से निकालेंगे।
बड़े झारे में जितने आएंगे उतने ही निकालेंगे। देखिए बहुत ही संभाल के काम करिए, दोनों तरफ से हम इसे अच्छी तरह पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह बहुत सारे भजे हमारे चम्मच में आ गए हैं। सुनिए आपने आवाज़ कैसी लगी, बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी। जैसे कोई कड़क चीज़ हम डाल रहे हैं, बिल्कुल वही आवाज़ थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ भी आ गया है। इसी तरह हम दूसरा राउंड भी फ्राई कर रहे हैं और आपको उसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। देखिए अच्छी तरह दोनों तरफ से हमने भजिए फ्राई कर दिए हैं और झटपट हम इसे निकाल रहे हैं। इसे भी उतना ही वक्त लगा है, मगर तेल गर्म था तो ज़रा जल्दी हो गया ये प्रोसेस। तो आप इसकी आवाज़ भी सुनिए। तो मुझे उम्मीद है और यकीन है आपने भजे की आवाज़ गौर से सुनी होगी और दूसरी आवाज़ों को स्किप किए होंगे। तो देखा आपने, हमने बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रिस्पी और क्रंची भजे बनाए हैं। दिखने में भी वही है, खाने में भी वही टेस्ट है। तो देर किस बात की, आज इफ्तारी में आप यही बनाइए और तारीफ़ें पाइए। तो अब हमारे क्रिस्पी और क्रंची भजिया बनके बिल्कुल तैयार है। हम आपको भजिया तोड़ के दिखाएंगे कि अंदर से किस तरह बना है, अच्छी तरह फ्राई हुआ है या नहीं। देखिए ऊपर का टेक्सचर तो बिल्कुल वही है और अंदर से भी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुका है हमारा भजिया। हम इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, हमारे घर पे सेजवान चटनी के साथ खा रहे हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए तीखे चटपटे क्रंची और क्रिस्पी कांदा भजिया बिल्कुल मार्केट जैसे। खाइए खाइए, टेस्ट कीजिए और क्रंची और क्रिस्पी आवाज़ सुनते रहिए। तो बहुत ही इजी और आसान तरीका है, उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।